रमजान के पवित्र महीने के पहले रोजे से ही अकबरुद्दीन अवेसी को जनता दावत इफ्तार के लिए आमंत्रित कर रही है। अकबरुद्दीन अवेसी दावत इफ्तार में शामिल भी हो रहे हैं, जनता को सम्मान भी दे रहे हैं और मिल रहे भी, और वरिष्ठ नागरिकों से मिलकर आशीर्वाद भी ले रहे हैं। असुद्दीन अवेसी और अकबरुद्दीन अवेसी के लिए दुआएं भी हो रही है। अकबर अवेसी जिन क्षेत्रों में दावत इफ्तार में शामिल हो रहे हैं, वहां के गरीब और जरूरतमंद लोगों की बड़े पैमाने पर बिना भेदभाव के मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अकबरुद्दीन अवेसी का जबरदस्त स्वागत भी किया जा रहा है। अकबरुद्दीन अवेसी हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की हर विधानसभा क्षेत्रों में दावत इफ्तार में शामिल हो रहे हैं। अकबरुद्दीन अवेसी के इफ्तार के दो वीडियो तेजी के साथ वायरल होने लगे हैं। अकबरुद्दीन अवेसी एक दावत इफ्तार में शामिल हो रहे हैं। उससे पहले ही अकबरुद्दीन अवेसी को हिंदू समाज के वरिष्ठ महिलाओं ने मदद की गुहार लगाई। अकबरुद्दीन अवेसी ने तुरंत उनकी समस्या को विस्तार से सुना और समस्या का समाधान भी कर दिया। दूसरी वीडियो में भी अकबरुद्दीन अवेसी को एक वरिष्ठ महिला अपनी समस्या विस्तार से सुना रही थी। अकबरुद्दीन अवेसी विस्तार से समस्या सुन रहे थे और बड़े ही सम्मान के साथ सुन रहे थे। अकबरुद्दीन अवेसी ने पूरी समस्या सुनने के बाद पार्षद को आदेश भी दिया। शायद भारत में ऐसे नेता बहुत ही कम नजर आते होंगे। असुद्दीन अवेसी अकबरुद्दीन अवेसी इस वजह से ही आज दुनिया भर में लोकप्रिय होते ही जा रहे हैं, और आज सिर्फ हैदराबाद संसदीय क्षेत्र ही नहीं, भारत के जिन राज्यों में AIMIM पार्टी है, वहां पर AIMIM पार्टी हर समुदाय, हर समाज, हर मजहब के मानने वालों का खास ख्याल रख रही है और विकास कार्यों के साथ साथ बिना भेदभाव के मदद भी कर रही है। इसके अनगिनत उदाहरण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। ये देख लो, ये पूरों को भरे थे, पूरों का कार्ड भी बनाया करवा दो बोला ना करवा दो बोलो ना।